हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। आज मैं आया था अपने घर के पास थोड़ा सा वॉक करने। यहाँ अभी शाम के 6:30 बज रहे होंगे, तो मैं आया था, सोचा एक ब्लॉग बनाया जाए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो माल्टा में स्टूडेंट लाइफ के ऊपर कि माल्टा में स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है। तो दोस्तों, जब हम माल्टा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारे मन में बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि माल्टा का स्टूडेंट वीज़ा आ गया है, अब हमारा सब कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह जो कुछ भी है हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, यहाँ से उधर मूव हो जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे किसी भी कंट्री, जो भी आप हर एक स्टूडेंट का अलग ड्रीम होता है। मगर मोस्टली यही सोचते हैं कि हम अच्छी अर्निंग करेंगे, सेविंग करेंगे और अपना कहीं और मूव हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा होता भी है मगर इसमें थोड़ा समय लगता है। अब कुछ लोग होते हैं जो माल्टा में आते हैं, आते सारे सीधा फ्लाइट पकड़ के कहीं और निकल जाते हैं, बाद में उन्हें प्रॉब्लम होती है, कोई मेल कर देता है, कंप्लेंट कर देता है, सीधा फिर इंडिया डिपोर्ट। क्योंकि माल्टा में आते हैं TRC बहुत ज़रूरी होता है, TRC अगर आपका नहीं बनता तो आप माल्टा में री एंट्री नहीं ले सकते। माल्टा में री एंट्री लेने के लिए TRC कार्ड होना ज़रूरी है। माल्टा से आप जा किसी भी कंट्री सकते हो विजिट करने, इंडिया भी जा सकते हो, मगर आपको वापस माल्टा में आने, क्योंकि जो हमारे पास वीज़ा होता है वन टाइम एंट्री होती है। चलो वो बात अलग है, मैं क्या है। तो दोस्तों, माल्टा में स्टूडेंट की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है और हर कंट्री में होती है, यहाँ पे भी है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है सबसे पहले अकोमोडेशन में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अकोमोडेशन हमें बहुत ज़रूरी है। अकोमोडेशन मिल जाता है मगर हमें चाहिए होता है अकोमोडेशन विद लीज़ एग्रीमेंट, क्योंकि हमें लीज़ एग्रीमेंट नहीं मिलेगा तो हम TRC कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम लीज़ एग्रीमेंट के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो भी मिल जाता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के बाद हमें कॉलेज वाले देते हैं बस लेटर, जिससे हम अपना तिलिंजा कार्ड, जिसको बस पास भी बोला जाता है, तिलिंजा कार्ड बोलते हैं मगर यहाँ माल्टा में, तिलिंजा कार्ड के लिए बस लेटर मिलता है। फिर हम उसको तिलिंजा कार्ड, ये कौन सी यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें, लोकल ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसमें वेबसाइट में हमें अप्लाई करना होता है तिलिंजा कार्ड के लिए। फिर तिलिंजा कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, वो 10-15 डेज में आ जाता है। फिर उसके बाद आपका पूरा माल्टा विजिट करो, ट्रैवल करो फ्री पूरे माल्टा में, बस में कहीं पर भी, तो तिलिंजा कार्ड भी आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा 21 डेज बाद TRC कार्ड अप्लाई होता है, तो लगा लो अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स बाद TRC कार्ड आ जाता है। और उस इस 3 मंथ तक आप माल्टा में जॉब नहीं कर सकते, अर्निंग नहीं कर सकते लीगली, चाहे फुल टाइम या पार्ट टाइम नहीं कर सकते आप। तो इस 3 मंथ में सोचो कैसे अपना स्टूडेंट कैसे अपना एक्सपेंस वगैरह निकालता होगा। मगर कुछ होते हैं जो कर लेते हैं, इलीगल जॉब करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, अब रिस्क के ऊपर है। अगर आप लोग रिस्क ले सकते हो तो देखो, मगर मेरे साथ के हैं वो तो करते नहीं। तो बात यह है कि भी मैं तो यही बोलूँगा कि मत करो, क्योंकि रिस्क है, कल को क्या फ़ायदा, 8-10 लाख रुपए लगा के आए हो तो कुछ पैसों के लिए आप अपना सारे पैसे रिस्क में डाल लो, क्योंकि सीधा यहाँ से डिपोर्ट होएगा फिर बंदा अगर पकड़ा गया तो। वो बात ठीक है। और उसके बाद TRC कार्ड 3 मंथ वेट करो, फिर 3 मंथ के बाद आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी। और पार्ट टाइम की जो अर्निंग होती है मिनिमम के हिसाब से, अगर 5 यूरो के हिसाब से मान के चलें तो आपकी अर्निंग 400-500 होती है मंथली, 400-500 यूरो। तो दोस्तों, 400-500 यूरोस में से आप का जो एक्सपेंस होता है मंथली वो जाएगा 300-400 यूरो, किसी की जगह 500 यूरो भी चले जाता है एक्सपेंस, अपने अपने बताते हैं, मगर 400 हम एवरेज मान के चलते हैं एक्सपेंस की। तो उसके बाद आप हिसाब लगा सकते हो कि आप कितनी सेविंग कर सकते हो, 50-100 यूरो ही सेविंग होती है। अगर जब उसके बाद आप स्टूडेंट की आपकी स्टडी ख़त्म होती है, उसके बाद जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो फुल टाइम के लिए, जहाँ पे आप पार्ट टाइम करते हो वहाँ पे आपका अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, आपका इमेज अच्छी बन जाती है, वो आपको फुल टाइम के लिए भी ऑफर दे देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, माल्टा में मिल जाता है, फुल टाइम वर्क परमिट भी कन्वर्ट हो जाता है अगर आप अच्छा काम करते हो, अच्छा रिस्पॉन्स देते हो उनको। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छी जॉब कीजिए अपना, जहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो वहाँ पर अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए, तो आपको आफ्टर स्टडी फुल टाइम वर्क परमिट मिलेगा। फुल टाइम वर्क परमिट में अगर आप मिनिमम वेजेस के हिसाब से मान के चलो तो आपको 800-1000 यूरो एवरेज मान के चलो, 1000 यूरो आप मंथली अर्न कर पाओगे। 1000 यूरो में से आपको लगा लो 400-400 के आप एक्सपेंस हो जाएगा मंथली, फिर आप 600 यूरो सेव कर पाओगे। अगर आप 600 यूरो सेव करते हो मंथली तो आप लगा लो कि आप 1.5 ईयर्स में आप लगा लो अप्रॉक्सीमेटली 15-16 मंथ्स में अपना जो लोन होता है सारा जो कुछ भी वो आप कवर कर सकते हो अगर आप चाहो तो, 1.5 ईयर में। सो दोस्तों, आप देख लो कि आप कर सकते हो मगर फुल टाइम वर्क परमिट में। अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो आपको मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको 5-6 यूरोज ही पर आवर मिलेगा
वेजेस, इससे ज़्यादा हाँ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा काम आता है आपको, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर 5-6 ही मिलता है मोस्टली स्टूडेंट। आई होप इस ब्लॉग में आपको स्टूडेंट लाइफ के रिगार्डिंग बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग रह जाए तो प्लीज़ कमेंट एंड इंस्टा पर मैसेज ज़रूर कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूँ। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। और दोस्तों, आज मैं आया हुआ था अपने घर के पास वॉक करने के लिए। यहाँ पर ये चर्च है, देखिए यहाँ पे अभी कुछ दिनों में प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। ये फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। ये चर्च है, चर्च की बैक साइड है, और ये चर्च के बैक साइड ये सी व्यू है, देखिए सनसेट होने लगा है।